पवन सिंह का भीड़ यहाँ पे, देखिए पुलिस से एस्कॉर्ट आ चुका है और पवन सिंह जी यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए फोकस कीजिए, देखिए पवन सिंह सर कहाँ जाएंगे और प्रत्याशी भगवान जाने। हाँ सुनामी देख सकते हैं आप, लगभग यहाँ 8 बजे सुबह 8 बजे से बिना खाए पिए हजारों लोग आसपास के सभी गांव के लोग रोड पर खड़े हैं सिर्फ पवन सिंह के इंतजार में। अच्छा भैया बहुत लोग कहता है कि सिर्फ पवन सिंह के साथ युवा खड़ा है, गार्जियन लोग नहीं, देखिए पूरा गार्जियन सब पीछे, पूरा गार्जियन बैठा हुआ है। चलिए इधर गार्जियन लोग खड़े हैं, चाचा पवन सिंह जी को वोट देंगे आप? बिल्कुल। बहुत लोग कहता है कि खाली छोरा छवारी पवन जी के सपोर्ट में है। नहीं नहीं सर, गार्जियन लोग है सपोर्ट में, सारे आदमी है। 2 घंटा से चाचा इंतजार कर रहे पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए, गाँव समझ का वोट आने वाला है, सारे गाँव देगा, पूरा जवाब देगा वोट उनको। चाची देगी वो? हाँ हाँ देंगे देंगे। चलिए चाचा भी देंगे और चाची को भी वोट दिलवाएंगे। इधर गार्जियन लोग है, चाचा क्या नाम हुआ? हरि नारा नाम। पवन सिंह वोट देंगे? देंगे। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है, इसी रोड से पावर स्टार पवन सिंह आने वाले हैं और पवन सिंह आने से पहले देखिए समर्थक का भीड़ हुजूम किस तरीके से लगा हुआ है, जिंदाबाद का नारा लग रहा है, आप देख सकते हैं सैकड़ों का भीड़ यहाँ पे है। भैया कितना देर से इंतजार कर? 5 घंटा करीब। 5 घंटा। हाँ। पवन सिंह को क्या सोचते हैं, क्या लोकसभा चुनाव में सांसद बनाना है? हाँ जी 4 लाख वोट से। पावर स्टार को हम लोग यहाँ से पावर देने का काम करेंगे, जो हम लोग का हक और हुकूक का लड़ाई दिल्ली तक जा करके लड़ेगा। दिल्ली तक लड़ेगा? बिल्कुल। पवन सिंह जिंदाबाद, पावर स्टार जिंदाबाद, सरस्वती पुत्र जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए 5 घंटा से समर्थक भीड़ लगाए बैठे हैं, पवन सिंह का इंतजार कर रहे हैं, इसी रास्ते से पवन सिंह आएंगे। सुबह 8 बजे से बिना खाए पिए हजारों लोग आसपास के सभी गांव के लोग रोड पर खड़े हैं सिर्फ पवन सिंह के इंतजार में। पवन सिंह के इंतजार? जी हाँ पवन सिंह के इंतजार। अच्छा लोग कहते हैं सिर्फ युवा है पवन सिंह के लोग यहाँ खड़ा है, सारे वर्ग के लोग खड़ा है यहाँ पर, जाति धर्म का नहीं वोट नहीं है। जैसे आप घुमा के पूछ लीजिए सब अलग अलग जाति और धर्म के लोग है। जी हाँ बिल्कुल। कितना देर से अभी आप? 6 घंटे से खड़े। 6 घंटे जी। कहाँ घर है आपका? ये हेमजय के घर है। अच्छा कोई? अच्छा 4-5 किलोमीटर दूर है गांव। हाँ। और वहाँ से लोग आके 8-7 घंटा से खड़ा है। अच्छा भैया बहुत लोग कहता है कि सिर्फ पवन सिंह के साथ युवा खड़ा है, गार्जियन लोग नहीं, नहीं। देखिए पूरा गार्जियन सब पीछे, पूरा गार्जियन बैठा हुआ है, हजारों की संख्या में यहाँ पे गार्जियन बैठा हुआ है। गार्जियन गार्जियन यूथ से ज्यादा गार्जियन में जोश है। अच्छा लोग इस लोकसभा में काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है, तभी तो पवन सिंह ला रहे हैं। पवन सिंह काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, एकदम करेंगे, बेरोजगार लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत करेंगे। चलिए अब देख सकते हैं कुछ ही पलों में आने वाला है और काफी सारा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ढेर सारा। भाई क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार। हाँ। कितना देर से वेट कर रहे हैं? करीब 8 घंटा। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी आप लोग भीड़ लगाए हैं? काहे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, पावर स्टार ना है, प्रचार कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ। चलिए ये 18 वर्ष से नीचे है लेकिन ये प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग कौन सी वोट दिलवाएंगे? दिलवाएंगे क्या, वो जीत रहे हैं? आपके मम्मी पापा देंगे? हाँ सब देंगे। चलिए इधर गार्जियन लोग खड़े हैं, चाचा पवन सिंह जी को वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। आप किस समाज से आते हैं? पंडित जी। पंडित जी हैं? जी हाँ। तो आप पंडित जी से फॉरवर्ड कास्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग उनको। हाँ। बहुत लोग कहता है कि खाली छोरा छवारी पवन जी के सपोर्ट में है। नहीं नहीं सर, गार्जियन लोग हैं सपोर्ट में, सारे आदमी हैं। हाँ। बिल्कुल। आप लोग देंगे? बिल्कुल। पूरे गांव समझ का वोट आने वाला है? सारे गांव देगा, पूरा जवार देगा वोट उनको, पूरा जवार पवन सिंह को देने वाला है वोट भैया। और देख सकते हैं इधर गार्जियन लोग है, चाचा क्या नाम हुआ? हरि नारा नाम। पवन सिंह वोट देंगे? देंगे। इंतजार कर रहे हैं पवन सिंह? हाँ हाँ। कितना देर से? 2 घंटा से। 2 घंटा से ये चाचा इंतजार कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए। गाना सुनते हैं पवन सिंह? सुनते हैं। कौन सा गाना सुने हैं? का वो इतना हम लोग याद रखते हैं? याद नहीं रखते हैं ना। वोट दीजिएगा? वोट देंगे। चाची देगी वो? हाँ हाँ देंगे देंगे। चलिए चाचा भी देंगे और चाची को भी वोट दिलवाएंगे। चाचा क्या नाम हुआ? ललू राजवंशी। पवन सिंह वोट दीजिएगा? देंगे देंगे। हाँ हाँ देंगे। चाची देंगे? देंगे सब देंगे। पूरा गांव जवार कर दे रहा है? पूरा गांव दे रहा है। देखिए पावर स्टार पवन सिंह दीजिएगा वोट, पूरे गांव दे रहा है। चलिए आप किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? राजवंशी से। राजवंशी से? देखिए राजवंशी सपोर्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं देखिए भीड़ काफिला आने वाला है और इधर जिस तरीके से देख सकते हैं पुलिस का एस्कॉर्ट आगे खड़ा है, दिखाइए दिखाइए पुलिस का एस्कॉर्ट, पुलिस का एस्कॉर्ट, और दिखाइए पुलिस का एस्कॉर्ट आ चुका है
किस तरीके से देखिए पुलिस का स्क्वाड आ चुका है, पावर स्टार पवन सिंह का भीड़ यहाँ पे, देखिए पुलिस से स्क्वाड आ चुका है और पवन सिंह जी यहाँ पे आ चुके, देखिए फोकस कीजिए, देखिए पवन सिंह चाचा, देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी का, देखिए किस तरीके से हुजूम माला पहनाने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है, देखिए अभी पावर स्टार पवन सिंह जी से बात नहीं हो सकता क्योंकि समर्थकों ने घेर लिया है, देखिए किस तरीके से कितना भीड़ लगा हुआ है और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए देखिए 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 हजारों सैकड़ों के भीड़ में पवन सिंह जी यहां से निकल रहे हैं पवन सिंह जी किस तरीके से आप देखते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी निकल रहे हैं और समर्थकों का भीड़ देख सकते हैं, लाखों समर्थकों का भीड़ किस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह जी का लग रहा है, क्या लगता है सिर्फ युवाओं का सपोर्ट है, गार्जियनों का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इस बार भारी बहुमत बना रहे हैं, हर समाज से वोट मिल रहा है, पवन भैया जिंदाबाद। अरे ठीक से गाड़ी चलाइए भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा, समर्थक कितना देर से वेट कर रहे थे? 3 घंटा से वेट कर रहे हैं समर्थक। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सुनामी आ रहा है सर, कहाँ जाएंगे और प्रत्याशी भगवान जाने। हाँ सुनामी देख सकते हैं आप, लगभग यहाँ आठ बजे से सैकड़ों की संख्या में, हर 500 मीटर के दायरे में सैकड़ों की संख्या में सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। मतलब सुनामी आया हुआ और प्रत्याशी का क्या होगा आप लोग का कहना? सुनामी में और क्या होता है, झाड़ फूस का क्या होता है, झाड़ फूस छोटे छोटे झाड़ियों का क्या होता है, सुनामी आता है तो वही इनके और प्रत्याशियों के साथ होगा। जय हिंद, धन्यवाद। चलिए क्या नाम है? लोकेश कुमार। चलिए इनसे बात किए, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।